अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। हम क़यामत के दिन के हालात के बारे में पढ़ रहे थे और सहीफों की तकसीम के बारे में हमने बात शुरू की थी। आज हम देखेंगे कि सहीफों में क्या कुछ लिखा हुआ होगा। तो आइए देखते हैं क़यामत के दिन के बारे में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामह वला उक़सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामह अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमअ इज़ामह बला क़ादिरीन अला अन नुसव्विय बनानह बल युरीदुल इंसानु लियफ़जुर अमामह यसअलु अय्यान यौमुल क़ियामह फ़इज़ा बरिक़ल बसर وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر। नहीं मैं क़यामत के दिन की कसम खाता हूँ और नहीं मैं बहुत मुलामत करने वाले नफ्स की कसम खाता हूँ। क्या इंसान गुमान करता है कि बेशक हम कभी उसकी हड्डियां इकट्ठी न करेंगे? क्यों नहीं, हम उन्हें इकट्ठा करेंगे इस हाल में कि हम कादिर हैं कि उसकी उंगलियों के पोर पोर दुरुस्त करके बना दें। बल्कि इंसान चाहता ये है कि अपने आगे आने वाले दिनों में भी नाफरमानी करता रहे। वो पूछता है उठ खड़े होने का दिन कब होगा, फिर जब आंख पथरा जाएगी और चांद गहना जाएगा और सूरज और चांद इकट्ठे कर दिए जाएंगे और इंसान उस दिन कहेगा कि भागने की जगह कहाँ है, हरगिज नहीं, पनाह की कोई जगह नहीं। उस दिन तेरे रब ही की तरफ जा ठहरना है। वो दिन है रब से मुलाकात का, रब के सामने जाकर खड़े होने का, क़यामत का। उस दिन क्या कुछ होगा उसके बारे में सहीफों में क्या कुछ लिखा हुआ है, यानी हमारा नामा अमाल किन किन चीजों पर मुश्तमिल होगा, इसकी कुछ तफसीलात कुरान और सुन्नत की रोशनी में हम देखेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि जो कुछ भी हम कहते हैं, बोलते हैं, नियत करते हैं, वो सब कुछ लिखा जाता है। सूरत अल कहफ में इसके बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ और किताब रख दी जाएगी, फिर आप मुजरिमों को देखेंगे कि उससे डरने वाले होंगे जो उसमें होगा, यानी अपने नामा अमाल में जो कुछ लिखा होगा उससे खौफ खा रहे होंगे और कहेंगे हाय हमारी बर्बादी, इस किताब को क्या है, ना कोई छोटी बात छोड़ती है और ना बड़ी, मगर इसने जब्त कर रखा है। यानी हम एक आह भी करते हैं तो वो भी हमारे नामा अमाल में लिख दिया जाता है और उन्होंने जो कुछ किया उसे मौजूद पाएंगे, यानी जिंदगी भर जो कुछ करते रहे वो सब कुछ वहाँ डॉक्यूमेंटेड होगा, रिकॉर्डेड होगा, उनके सामने होगा। और आपका रब किसी पर जुल्म नहीं करता, यानी किसी की हुई नेकी को कम नहीं किया जाएगा और किसी के जिम्मे खामखा में कोई गुनाह नहीं लिख दिया जाएगा। जो किसी ने किया होगा, जो किसी ने बोला होगा, अदल के साथ, इंसाफ के साथ, हक के साथ, वो सब वहाँ लिखा होगा। दुनिया में तो बाज़ात ये होता है कि इंसान एक बात कहता है और जब कोई उससे पूछ ले उसके बारे में कि तुमने ये बात कही थी, तो उसका जी चाहे तो उसको झुटला भी सकता है। और बहुत दफा ऐसा होता है लोग एक बात कहते हैं और फिर अगर उनकी पकड़ होने लगे तो इनकार कर देते हैं या बात को कुछ से कुछ बना देते हैं या उसकी कई तावीलें कर देते हैं। लेकिन क़यामत के दिन तो इंसान के सीने के अंदर जो कुछ है वो भी सामने ला के रख दिया जाएगा और जो कुछ वो ज़ाहिरी अमाल करता था वो भी सामने आ जाएगा, इसलिए कोई भी किसी अमल को झुटला ना सकेगा। जर्रा बराबर खैर और शर भी नामा अमाल में महफूज कर लिए जाएंगे। सूरत अज़्ज़लज़ला में अल्लाह ताला फरमाते हैं, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह। जिसने जर्रा बराबर नेकी की होगी वो उसे देख लेगा और जिसने जर्रा भर बदी की होगी वो भी उसे देख लेगा, यानी नामे अमाल में वो सब कुछ नजर आएगा, हत्ता के दिलों के इरादे भी लिख लिए जाएंगे। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब तबारक व तआला से रिवायत करते हुए फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह ने नेकियां और बुराइयां लिखी और फिर उनको बयान फरमाया। बस जिसने नेकी का इरादा किया लेकिन उस पर अमल न कर सका तो अल्लाह ने उसके लिए अपने पास एक मुकम्मल नेकी लिख दी, यानी उसका बदला नेकी के तौर पे लिख दिया, इरादे को लिख दिया। और अगर उसने इरादे के बाद उस पर अमल भी कर लिया तो अल्लाह ने उसके लिए अपने पास 10 नेकियों से लेकर 700 तक बल्कि इससे भी ज्यादा लिखा। ये डिपेंड करता है कि उसकी नीयत क्या थी, किसने किन हालात में कोई अमल किया, किसका खुलूस कैसा था, किसकी मेहनत और मशक्कत कैसी थी। और जिसने किसी बुराई का इरादा किया और फिर उस पर अमल नहीं किया तो अल्लाह ने उसके लिए अपने पास एक मुकम्मल नेकी लिखी, सिर्फ इरादे की बिना पर, अमल जाहिर कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ सोचा ही था कि मैं करूंगा। और अगर उसने इरादे के बाद उस पर अमल भी कर लिया तो अल्लाह ने उसके लिए एक बुराई लिखी। नेकियां कई गुना बढ़ा के लिखी जाती हैं लेकिन बुराई जो है वो वजज़ाउ सय्यअतिन बिमिस्लिहा, बुराई का बदला बस उतनी ही बुराई है। इसी तरह छोटी छोटी नेकियां जिनको हम आमतौर पर नेकी कंसिडर ही नहीं करते, कोई उसमें बड़ी हमारी एफर्ट भी नहीं लगती, लेकिन वो भी लिख ली जाती हैं। जैसे अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा अपने भाई को देखकर मुस्कुराना भी सदका है। ये भी नेकी लिख ली जाती है। नेकी का हुक्म देना, किसी को अच्छा मशवरा देना, नेकी का रास्ता बताना और बुराई से रोकना, ये भी सदका है। कोई किसी गलत इरादे से कुछ करने जा रहा है, कहने जा रहा है, आप उसको रोक देते नहीं, ये नहीं करो। किसी भूले भटके को रास्ता बताना, नाबीना के साथ चलना, यानी उसको अपनी मंजिल तक पहुंचा देना, उसकी मदद करना। रास्ते से पत्थर, कांटा या हड्डी वगैरह हटा देना ताकि लोगों को तकलीफ ना हो उससे। और अपने डोल से दूसरे भाई के डोल में पानी डालना भी सदका है। अब हम कुएं वगैरह से पानी का डोल तो नहीं निकालते, लेकिन मसलन आप जग या बॉटल से किसी के ग्लास में पानी पोर करके दे रहे होते हैं तो ये भी एक सदका है। यानी बाजू का हम उसको कोई नेकी नहीं शुमार करते, ना उस वक्त हमारे जहन में ये होता है कि ये कोई सवाब का काम है, लेकिन अल्लाह के यहाँ वो भी नेकी लिखी जाती है। तो हमें इन सारी चीजों की एक नीयत कर लेनी चाहिए। खुसूसन नीयत की तजदीद उस वक्त होती है जब हमें कोई नेकी का काम भारी लग रहा होता है, मुश्किल लग रहा होता है। मोमिन तो जिस हाल में भी होता है वो अपनी आखिरत के लिए कुछ ना कुछ कमा रहा होता है। अगर अच्छे हाल में होता है, शुक्रगुजार होता है, तो दिल का ये शुक्र भी लिखा जा रहा होता है कि बंदा शुक्रगुजार है। और फिर उस शुक्र के बदले उसकी नेमतों में और इजाफा होता है और जो है उनकी हिफाजत होती है। और इसी तरह अगर उसको कोई गम है, हम है, फिक्र है, परेशानी है, दुख है, हत्ता कि एक कांटा भी चुभ गया है तो उसके बदले उसके गुनाह माफ हो रहे होते हैं। हर सांस के साथ आने वाला गम या दुख बाजुकात इंसान को बेचैन कर देता है, परेशान कर देता है। इंसान को गम और दुख से पनाह मांगनी चाहिए, यानी इनसे बचना चाहिए, क्योंकि वो इंसान की प्रोडक्टिविटी को मुतासर कर देता है, यानी इंसान की हिम्मत तोड़ देता है और जो कुछ उसने करना होता है वो उसको करने नहीं देता। तो इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ सिखाई है जो सुबह के वक्त पढ़नी चाहिए हर रोज, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल हम्मि वल हुज़्नि, कि अल्लाह मुझे इससे बचा के रखना। हम और आफतों मुसीबतों से बचने की दुआएं करते हैं लेकिन हम गम से बचने की दुआ कम करते हैं कि अल्लाह ताला उसमें डालना ही नहीं। लेकिन अगर तकदीर में लिखी हुई है कोई चीज और वो गम और हम आ गया है तो उस पर भी दिल ही दिल में फिर खुश भी हो जाना चाहिए कि हर हम और हर दफा जो गम का ख्याल आता है, हर दफा जो बात परेशान करती है, वो मेरे लिए अजर का बायस हो जाती है। तो ये सब कुछ भी हमारे नामा अमाल में लिखा जा रहा है। इसी तरह नेकी की तरफ उठने वाले कदम भी लिखे जाते हैं। अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं कि बनु सलमा के लोग मदीना के कोने में मस्जिद से दूर रहते थे। उन्होंने मस्जिद के करीब मुंतकिल होने का इरादा किया तो ये आयत नाजिल हुई, सूरत यासीन की आयत नंबर 12। इन्ना नहनु नुहयिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आथारहुम व कुल्ल शैइन अहसयनाहु फी इमामिम मुबीन। बेशक हम ही जिंदा करेंगे मुर्दों को, और हम लिख रहे हैं, लिखा जा रहा है जो उन्होंने आगे भेजा और जो उनके असरात हैं। और ये आसार जो हैं, ये कदमों के निशान को भी कहा जाता है कि किसी शख्स ने नेकी के किस काम में कितने कदम उठाए, वो भी काउंट किए जाते हैं और वो लिख लिए जाते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, बेशक तुम्हारे निशानात कदम लिखे जा रहे हैं। जहाँ नेकियां लिखी जाती हैं, वहाँ इंसान की बुराइयां भी लिखी जाती हैं, छोटे छोटे गुनाह भी लिखे जाते हैं। हजरत आयशा से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, मामूली गुनाहों से अपने आप को बचाओ, क्योंकि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के यहाँ इनकी तफ्तीश भी हो सकती है कि ये क्यों किए थे। आंखों की खयानत लिखी जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली से फरमाया था, ए अली, नामहरम औरत पर एक मरतबा नजर पड़ जाने के बाद दोबारा नजर मत डाला करो, क्योंकि पहली नजर तुम्हें माफ है लेकिन दूसरी माफ नहीं, यानी लिखी जाएगी, उसके ऊपर पूछ होगी। तो इंसान अपने ऊपर खुद चेक रखे। इसी तरह फहश सीन, बेहुदा चीजें, मसलन आप एक बहुत अच्छा लेक्चर सुन रहे होते हैं, बड़ा ईमान अफरोज, आखिरत से मुतल्लिक, जो ही खत्म होता है एक ऐसा एडवर्टीजमेंट आता है कि जिसमें इंतहाई फहश तस्वीरें होती, तो आप अपनी निगाहें फेर लें उससे, आप उसको खत्म कर दें, उसमें दिलचस्पी न लें, क्योंकि हमारे औकात का भी हिसाब है और हमारी नजरों का भी। यानी कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर हम काबू रखते हैं और हम खुद शऊरी तौर पर उनको अवॉइड करते हैं कि ऐसी चीजें जिनको देखना हराम है उनको नहीं देखते, लेकिन बाज़ औक़ात अनअवॉइडेबल होता है कि आप अवॉइड नहीं कर पाते, आप नहीं देखना चाहते लेकिन आपको जबरदस्ती नजर आ जाती, तो उन चीजों से भी निगाहें फेर लेनी चाहिए। फिर राजों और सरगोशियों का लिखा जाना, यानी जो चुपके चुपके बातें की जाती हैं, वो भी लिखी जाती है। सूरत अज़्ज़ुख़रुफ़ की आयत नंबर 80 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अम यहसबूना अन्ना ला नस्मउ सिर्रहुम व नज्वाहुम बला व रुसुलुना लदैहिम यक्तुबून। या वो गुमान करते हैं कि बेशक हम उनका राज और उनकी सरगोशी नहीं सुनते, यानी जो कानों में बातें करते हैं और छुप के सबसे करते हैं, अलहदा होके करते हैं, क्यों नहीं, और हमारे भेजे हुए, यानी कौन कौन है भेजे हुए? फरिश्ते हमारे भेजे हुए उनके पास लिखते रहते हैं। यानी फरिश्तों को अल्लाह ताला ने ऐसी सलाहियत दी है कि वो जो कुछ कहा जाता है वो लिख सकते हैं, सुन सकते हैं। फिर मामूली खयानतें भी लिखी जाती हैं। सिलसिला सहीहा की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जानवर की पेशानी के बाल पकड़ते और फरमाते, इसमें से मेरा भी वही हिस्सा है जो तुम में से किसी का है, सिवाय खुम्स के, और वो भी तुम पे लौटा दिया जाता है, लिहाजा धागा और सुई या उससे भी कम दर्जे की चीज हो तो वापस कर दो, और खयानत से बचो क्योंकि वो क़यामत के दिन खाइन के लिए बायसे आर और नदामत होगी। तो मसलन आप पब्लिक प्लेसेस पर जाते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सबके इस्तेमाल की होती, आप उनको ले सकते, इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें होती हैं वो दूसरों की प्राइवेट प्रॉपर्टी होती हैं, उस बिल्डिंग की, उस इदारे की, उस जगह की, उस पे आपका हक नहीं होता। लिहाजा उस चीज पे जिस पे आपका हक नहीं, जो आपके लिए सामने नहीं रखी गई, किसी कबर्ड में रख दी गई या कहीं छुपा के रख दी गई या कहीं किसी लॉकर में है या कहीं भी, तो उसमें से अगर कुछ लिया गया बगैर इजाजत के तो वो खयानत शुमार होगा, तो इससे बचना चाहिए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि क़यामत के दिन वो खाइन के लिए बायसे आर और नदामत होगी, छोटी सी चीज होगी लेकिन नदामत का बायस होगी। फिर मस्जिद में गंदगी फैलाना भी लिखा जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के अमाल मुझ पे पेश किए गए तो मैंने उनके बुरे अमाल में से मस्जिद में थूकना और उसका दफन न करना पाया। उस जमाने में कच्ची होती थी मस्जिदें, तो वो मिट्टी में नीचे दबा दी जाती थी ऐसी चीजें, लेकिन आजकल उसको साफ करना जरूरी है। बाजू का जाके हम बैठते हैं, इबादत करते हैं, वहीं टिश्यू फेंक के आ जाते हैं या कुछ खाते हैं तो उसकी चीजें वहीं बिखर जाती हैं, तो इन चीजों से बचना चाहिए। फिर इसी तरह रास्तों, बाजारों वगैरह में या वैसे गलाजत फैलाना, चाहे घर के अंदर ही क्यों ना हो, ये भी मना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किबला रुख थूक दिया वो क़यामत के दिन इस हाल में आएगा कि उसका थूक उसकी दोनों आंखों के दरमियान पेशानी पर होगा। बैठे बैठे ऐसे सबके सामने थूक देना है, किबला की तरफ मुंह किया हुआ हो, जैसे मस्जिद में नमाज की हालत में खड़े हैं। बाज़ात ये होता है कि जुकाम वगैरह होता है, कोई टिश्यू रखना होता है, तो किबला रुख सामने नहीं रखे, राइट या लेफ्ट रखे। उस्ताज़ा जी, मुझे तो यही बस जो बार बार लिखने की बात आ रही है ना, तो इस पे मेरा जहन बार बार जा रहा था कि नॉर्मली भी अल्लाह सुब्हानहू तआला खुद भी सब चीज़ें हमारी लिखी जा रही हैं और हमें भी ताकीद है, जैसे कर्ज के लिए भी कि आप लिखें उसको, इवन इल्म के लिए भी कहा गया कि अल्लामा अल कुरान, वो कलम, अल्लामा बिल कलम, और इल्म को लिख कर महफूज करो, महफूज करो। और उस्ताज़ा जी, जैसे दुनिया में भी देखें, जैसे जॉब्स होती हैं, स्पेशली जो डे केयर वगैरह की जॉब्स होती हैं, अगर कुछ भी इंसिडेंट हो गया तो आप ज़बानी कलामी अगर उसको बता रहे हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। जब आप डॉक्यूमेंटेशन के साथ होते थे, फलां डेट को इतने बजे, लंच से पहले, लंच के बाद, ये हुआ वो हुआ, तो उसकी फिर वैल्यू होती है। तो ये मुझे नुक्ता समझ में आ रहा था कि सुभान अल्लाह, कोई चीज विदाउट डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। वहां पे सोचिए फिर उसका वो उसकी ग्रेविटी का सोचे ना, कि अगर हर चीज लिखी जा रही है और लिख के रिकॉर्ड की जा रही, तो जिसे पंजाबी में कहते हैं ना, मुकर जाना, कोई मुकर नहीं सकता है, नहीं है कोई चांस। दुनिया में तो गलत काम करके हम कहते हैं नहीं नहीं हो, या उसकी दूसरे को कोई बहाना पेश कर देते हैं, या उसकी कोई और वजह बता देते हैं जो कि असल नहीं होती, धोखा देते हैं दूसरे को, अल्फाज बदल देते हैं, अल्फाज बदल देते हैं, नहीं ये नीयत नहीं थी, ये इरादा नहीं था। अब तो ऐसे एप्स निकल आए हैं, जैसे ड्राइविंग के लिए भी आपके पास एप्स होते हैं जो आपके सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। आपने कब ब्रेक्स लगाई, कब आपके पास कोई कहाँ से आया, किस वक्त आपने घबरा गए, उसके मुताबिक वो आपके इंश्योरेंस भी करते हैं। तो मैं कहती हूँ कि इतनी बारीकी से वो लोग हर चीज को फिर चेक कर रहे होते हैं, कितने मिनट पर इसने ब्रेक लगाई थी, किस वक्त एक्सीडेंट हुआ, किस वक्त गाड़ी आगे सामने से आई। और कई तो कैमरेज इतने ज्यादा वो सेंसिटिव हैं कि सामने से पूरे सीन आपने देखे ही हैं रिकॉर्ड हुए हुए यूट्यूब पे। लेकिन एक मेरा सवाल है कि अगर नादानिस्ता तौर पर अगर कोई चीज जैसे आपके पास आ गई, जैसे लोग खाने भेज देते हैं घर पर, या कोई ऐसी चीज है कब घर में आ गई कोई चीज और हमें वापस करनी भूल गई, या फिर हमें याद ही बड़े अरसे बाद आई, वो बंदे लोग ही वो चेंज हो गए, मूव हो गए, फिर उनकी जगह फिर क्या करें, सदका दे दें, क्या करें? हाँ, सदका ऐसे ही फिर खताओं को मिटाता है। हत्तुल वसा कोशिश तो करनी चाहिए, जैसे उस शख्स ने जो समुंदर पार गया था और फिर अपने वक्त मुकर्रर पर उसने कर्जा लौटाना था, तो उसने लकड़ी में डाल के और खत लिख के तो वो पानी में डाल दिया, अल्लाह के हवाले कर दिया। तो ये कि अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि हम ऐसी अमानतों को लौटाने के काबिल हों, और लोगों को पता करते रहना चाहिए, उनसे माफ करवा लेना चाहिए। और इसीलिए छोटी चीज हो या बड़ी, बाज़ औक़ात मैं किसी की छोटी सी कोई चीज होती है तो उसको संभाल संभाल के रख रही होती है, चाहे छोटी है, ये छोटी भी तो लिखी जाएगी। हमारे लिए छोटी हो सकता है, दूसरे के लिए बहुत वैल्यूएबल हो। किसी के बहुत से काम उसकी वजह से होते हो, हमारे लिए बेकार है, क्योंकि वेस्ट करने का रुझान है ना, कि हर चीज फेंक दो। तो उसमें बहुत एहतियात करने की जरूरत है, और जो हो चुका उस पर माफी मांगने की, दुनिया में ही माफी मांग लेने से अल्लाह सुब्हानहू तआला माफ कर दे, क्योंकि ये चीजें हुकूकुल इबाद में भी तो आ जाती है ना, जो किसी की मिल्कियत से मुताल्लिक है। दूसरा जो था कि यह है कि रास्ते से पत्थर हटाना कितनी बड़ी नेकी है। किसी की ऐसी फॉल्ट या किसी की कोई ऐसी बात सामने आ जाती है कि जिससे मतलब उसकी बदनामी हो सकती है, तो ऐसी चीजों को भी छुपा, किसी के ऐब छुपाना, वो भी बिल्कुल उनको भी छुपाना चाहिए। और बस अपने आप को ढील नहीं देनी चाहिए। सारी बात यह है कि तकवा की जिंदगी ये इंसान को बताती है कि छोटी चीजों को भी छोटा ना समझे। हम असल में कहते हैं इससे क्या फर्क पड़ता है। 4-5 दिन पहले फोन पे ऐसे मेरा हाथ लग गया, वो स्क्रीन टाइम की डिटेल आ गई, तो मुझे उस वक्त यही नाम अमाल का ही ख्याल आया, क्योंकि उस स्क्रीन टाइम में उन्होंने पूरी डिटेल, एक तो ग्राफ था कि प्रोडक्टिविटी, सोशलाइजिंग, एंटरटेनमेंट, ये 3 मेन कैटेगरीज थी। फिर उसके बाद बगैर मेरे देखे वो पता नहीं उसमें क्यों डिटेल आ गई, और उन्होंने एवरी कैटेगरी का मिनट्स दिए हुए कि कितनी देर व्हाट्सएप, कितनी देर बेस कैंप, कितनी देर ईमेल, यानी इतनी कैटेगरीज थी। उस एक मोटी डिवीजन थी प्रोडक्टिविटी और ये सब की, और एक फिर बाकी सारी डिटेल्स थी। तो मैंने यही सोचा कि इसने मुझे ये पिछले मेरे 24 घंटे का अमालनामा ये दिखाया है। और फिर वही जो हम पढ़ते हैं सूरतुल कहफ में कि या वैलना माली हाजल किताब, तो मुझे उसी का ख्याल आया कि उस दिन जो हम डिटेल्स देखेंगे, कितना टाइम वॉशरूम में स्पेंड किया है, कितना पानी वुजू में गया है, जानमाज पे बैठ के और क्या क्या सोचे सोची हैं, यानी किस दर्जे का वो हिसाब होगा। अल्लाह सुब्हाना ताला बस आसान फरमा दे और हमें वाकई वो डिटेल ना दिखाए तो, और गफलत की जिंदगी से बचाए। असल जो चीज है ना वो ये कि गफलत की जिंदगी से बचे हम। अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है हिसाब का आगाज। हिसाब का आगाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात से होगा। शफात का लफ्ज़ी माना होता है तलब करना, यानी दरखास्त करना। किसी दूसरे के लिए दरखास्त करने वाला शख्स शाफे होता है। दरखास्त करने वाले को शफी भी कहते हैं। फुलां की तरफ से मेरे लिए शफात हुई, यानी उसके सामने दूसरे की हाजत को पूरा करने की दरखास्त की। और सिफारिश करने वाले को शफी और शाफे इसलिए कहा जाता है क्योंकि सिफारिश करवाने वाले शख्स ने दूसरे से सिफारिश तलब करने की दरखास्त करके उसको जोड़ा बना लिया, यानी एक वो खुद है और एक वो दो लोग हो गए ना, मिल गए। वश्शफ़अ वल्वतर, अगर आप सूरत अल-फजर की आयत देखें तो जरूरतमंद अपनी जरूरत के लिए सिफारिश तलब करने से पहले अकेला होता है, फिर उसका साथी उसके लिए जोड़ा बना देता है, यानी अपनी हाजत पूरी करने में उससे सिफारिश करने की दरखास्त करता है। इमाम रागिब कहते हैं शफात का मतलब है दूसरे के साथ उसकी मदद करते हुए मिल जाना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए क़यामत के दिन शफात होगी, और आपके लिए तीन शफातें हैं जो सिर्फ आप ही के साथ खास हैं। एक है शफात उज़्मा या शफात कुबरा, जो क़यामत के दिन हशर में खड़े होने वालों के बारे में की जाएगी, जो क़यामत के दिन हशर में खड़े होने वालों के बारे में की जाएगी। कौन खड़ा होगा वहां? सभी लोग, हम सब खड़े होंगे। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों के लिए सिफारिश करेंगे, यहाँ तक कि उनके दरमियान फैसला कर दिया जाएगा। और यही मकाम महमूद है जिसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरत अल-इसरा में फरमाया, وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا। और रात के कुछ हिस्से में फिर उसके साथ बेदार रह, इस हाल में कि ये तेरे लिए नफल है, जायद है, करीब है कि तेरा रब तुझे मकाम महमूद पर खड़ा करे। यानी मकाम महमूद वो मकाम है जिस पर क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फायज करेगा। और किस लिए फायज करेगा? ताकि आप हशर वालों के लिए सिफारिश करें। किस बात की सिफारिश? कि अल्लाह ताला लोगों के दरमियान फैसला कर दे, यहाँ तक कि हर कोई अपने उस ठिकाने की तरफ चला जाए जो उसके लिए लिखा जा चुका है। दूसरी है जन्नतियों के बारे में सिफारिश, कि जन्नती जन्नत में दाखिल हो जाए, क्योंकि जन्नती आपकी शफात के बगैर जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। आप अपने रब की बारगाह में सिफारिश करेंगे तो उनको जन्नत में दाखिल होने की इजाजत मिलेगी। कुछ तो वो होंगे जो बगैर हिसाब के दाखिल होंगे, कुछ वो होंगे जो कामयाब होकर दाखिल होंगे, कुछ वो होंगे जो जहन्नम में गिर के फिर आपकी सिफारिश की वजह से निकाले जाएंगे जहन्नम से और फिर जन्नत में दाखिल होंगे। तीसरी सिफारिश आपकी हजरत अबू तालिब के लिए है। यह आपके चचा के साथ खास है कि उनके अजाब को कम कर दिया जाए। अब्दुल्ला बिन हारिस से रिवायत है, वो कहते हैं मैंने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु से सुना, वो कह रहे थे कि मैंने पूछा अल्लाह के रसूल, अबू तालिब हर तरफ से आपकी हिफाजत करते थे, आपकी मदद करते थे, आपकी खातिर मुखालिफीन पर गुस्सा करते थे, तो क्या इससे इनको कोई फायदा हुआ? आपने फरमाया हाँ, मैंने उनको आग की अथाह गहराइयों में पाया तो उनको कम गहरी आग तक लाया, और यह आपकी सिफारिश की वजह से। अब इन सिफारिशों की थोड़ी सी तफसील मजीद देखते हैं हम। शफात उज़्मा को हम देखते हैं, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खास है, और ये शफात की तमाम अकसाम में से बड़ी किस्म है, और ये मकाम महमूद पर होगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया है कि हम हर आजान के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उस मकाम महमूद की दुआ मांगे। वो दुआ क्या होती? आते मुहम्मदनिल वसीलता वल फदीलता वबअसहु मकामम महमूदन अल्लज़ी वअतहु वरज़ुक़ना शफ़ाअतहु। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश से हिसाब किताब शुरू होगा। क़यामत के दिन लोग बड़ी मुसीबत में होंगे, क्योंकि वो 40 साल तक पसीने में खड़े रहेंगे, क्योंकि जमीन पर हर एक के पास सिर्फ इतनी जगह होगी कि 2 कदम रख सके। तो इसका क्या मतलब है? फिर बंदे से बंदा जुड़ा हुआ होगा। एक तो सूरज करीब होगा, दूसरा आपस के इकट्ठे होने की वजह से जो गर्मी होगी और हब्स होगी उसकी वजह से पसीना बह रहा होगा, और लोग तंग आ जाएंगे खड़े खड़े। अस्तग़फिरुल्लाह। कुछ लोगों का पसीना पांव तक होगा, कुछ का आधी पिंडलियों तक, कुछ का घुटनों तक, कुछ का कमर तक, कुछ का सीने तक। बाज को पसीने की लगाम पहनाई होगी, बाज को पसीना पूरा ढांप लेगा। लोग सख्त गर्मी में होंगे क्योंकि जहन्नम भी करीब कर दी जाएगी, सूरज नीचे आ जाएगा। लोग हुजूम में होंगे, इंसान के खड़े होने के लिए सिर्फ 2 कदमों की जगह होगी। लोगों की सांसें होंगी, खौफ और दहशत होगी। इंसान एक ऐसी जगह पर होगा कि चाहेगा कि किसी भी तरीके से इससे छुटकारा मिल जाए, इस जगह से हट जाए, निकल जाए हम। तो वो अंबिया के पास एक एक करके चक्कर लगाते हुए उनसे दरखास्त करेंगे कि क्या आप देखते नहीं कि हम किस मुसीबत में मुब्तला हैं, हमें इससे निजात दिलवाइए। और फिर बिल आखिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचेंगे और फिर आप अल्लाह सुब्हानहू तआला से दरखास्त करेंगे, अल्लाह ताला आपकी दरखास्त कबूल कर लेगा। तो इस बारे में हम देखते हैं कि एक तवील हदीस आती है सही बुखारी में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें मालूम भी है ये दिन कौन सा दिन होगा जिस दिन अल्लाह पहलों और पिछलों सबको एक चटियल मैदान में जमा कर देगा कि एक पुकारने वाले की आवाज सब सुन लेंगे और एक नजर सबको देख सकेगी। सूरज बिल्कुल करीब हो जाएगा और लोगों को ऐसी परेशानी और गम लाहिक होगा जो बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा। लोग कहेंगे, देखते नहीं कि हमारी हालत क्या हो गई है, क्या ऐसा कोई बंदा नहीं जो अल्लाह की बारगाह में तुम्हारी सिफारिश करे। बाज लोग बाज से कहेंगे कि आदम अलैहिस्सलाम के पास चलना चाहिए। चनाचे सब लोग आदम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होंगे और अर्ज करेंगे, आप इंसानों के बाप हैं, अल्लाह ताला ने आपको अपने हाथ से पैदा किया, अपनी तरफ से आप में रूह फूंकी, फरिश्तों को हुक्म दिया और उन्होंने आपको सजदा किया, इसलिए आप रब के हुजूर में हमारी सिफारिश कर दें। आप देख रहे हैं हमारी क्या हालत हो गई है, आप देख रहे हैं कि हम किस हाल को पहुंच चुके हैं। आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे, आज मेरा रब इंतहाई गजबनाक है, इससे पहले इतना गजबनाक वो कभी नहीं हुआ और न आज के बाद इतना गजबनाक कभी होगा। अल्लाह ताला ने मुझे दरख्त से रोका था लेकिन मैंने उसकी नाफरमानी की, बस नफसी नफसी नफसी, मुझे आज अपनी फिक्र है, तुम किसी और के पास जाओ। चनाचे वो नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे और अर्ज करेंगे, नूह आप सबसे पहले पैगम्बर हैं जो अहले जमीन की तरफ भेजे गए और आपको अल्लाह ने शुक्रगुजार बंदे का खिताब दिया, आप ही हमारे लिए अपने रब के हुजूर में सिफारिश कर दें, आप देख रहे हैं कि हम किस हाल को पहुंच गए हैं। नूह अलैहिस्सलाम भी कहेंगे, आज मेरा रब इतना गजबनाक है, इससे पहले कभी इतना गजबनाक नहीं हुआ और न आज के बाद होगा, मैंने अपनी कौम के खिलाफ बद्दुआ की थी, आज मुझे उसका खौफ है, नफसी नफसी नफसी, आज मुझे अपने ही नफ्स की फिक्र है, तुम मेरे सिवा किसी और के पास जाओ, जाओ इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जाओ। सब लोग उनकी खिदमत में हाजिर होंगे और अर्ज करेंगे, ए इब्राहीम आप अल्लाह के नबी, अल्लाह के खलील हैं, रूए जमीन में मुंतखब हैं, आप हमारी सिफारिश कीजिए, आप देख रहे हैं हम किस हालत को पहुंच गए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहेंगे, आज मेरा रब बहुत गजबनाक है, इतना गजबनाक न पहले हुआ था न आज के बाद होगा, मैंने 3 झूठ बोले थे, नफसी नफसी नफसी, मुझे अपने नफ्स की फिक्र है, मेरे सिवा किसी और के पास जाओ, हाँ मूसा के पास जाओ। सब लोग मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होंगे और उनको अर्ज करेंगे, ऐ मूसा आप अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह ताला ने आपको अपनी तरफ से रिसालत और अपने कलाम के जरिए दूसरे लोगों पर फजीलत दी, आप हमारी शफाअत अपने रब के हुजूर में करें, आप देख रहे हैं कि हम किस हालत को पहुंच चुके हैं। मूसा अलैहिस्सलाम कहेंगे, आज अल्लाह ताला बहुत गजबनाक है, इतना गजबनाक कि ना वो पहले कभी हुआ था और न इसके बाद कभी होगा, मैंने एक शख्स को कत्ल कर दिया था, हालांकि अल्लाह की तरफ से मुझे उसके कत्ल का कोई हुक्म नहीं मिला था, नफसी नफसी नफसी, बस मुझे आज अपनी फिक्र है, मेरे सिवा किसी और के पास जाओ, हाँ ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाओ। सब लोग ईसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होंगे और अर्ज करेंगे, ऐ ईसा अलैहिस्सलाम आप अल्लाह के रसूल और उसका कलिमा है जिसे अल्लाह ने मरियम अलैहिस्सलाम पर डाला था और अल्लाह की तरफ से रूह है, आपने बचपन में माँ की गोद में ही लोगों से बात की थी, आप हमारी सिफारिश कीजिए, आप देख रहे हैं हमारी क्या हालत हो गई है। ईसा अलैहिस्सलाम भी कहेंगे, मेरा रब आज इतना गजबनाक है कि इससे पहले कभी ना हुआ और आइंदा भी कभी ना होगा, और वो अपनी किसी लग़ज़िश का जिक्र नहीं करेंगे, सिर्फ इतना कहेंगे, नफसी नफसी नफसी, मेरे सिवा किसी और के पास जाओ, हाँ मोहम्मद के पास जाओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होंगे और अर्ज करेंगे, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अल्लाह के रसूल और सबसे आखिरी पैगंबर हैं और अल्लाह ताला ने आपके तमाम अगले पिछले गुनाह माफ कर दिए हैं, अपने रब के हुजूर में हमारी शफात कीजिए, आप देख रहे हैं कि हम किस हालत को पहुंच चुके हैं, आपने फरमाया, आखिर मैं आगे बढ़ूंगा और अर्श तले पहुँच कर अपने रब अज़्ज़ा वजल्ला के लिए सजदे में गिर पड़ूंगा। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ेंगे और अर्श के नीचे सजदे में गिर पड़ेंगे। इसी तरह ये रिवायत भी आती है कि तमाम उम्मतें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सिफारिश के लिए आएंगी। सही बुखारी की रिवायत है, अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं क़यामत के दिन लोग ग्रोहों की शक्ल में बट जाएंगे और हर ग्रोह अपने नबी के पीछे लग जाएगा और सब कहेंगे ए फुला आप हमारी सिफारिश कीजिए, यहाँ तक कि यह मामला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जा पहुंचेगा। लिहाजा यही वो दिन है जब अल्लाह आपको मकाम महमूद पर फायज करेगा। तो इससे क्या पता चलता है कि कुछ लोग तो डायरेक्ट अंबिया के पास जाएंगे और कुछ लोग अपनी अपनी उम्मतों में अपने नबी के पीछे जाएंगे और वो फिर अल्टीमेटली सब के सब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इकट्ठे होंगे। तो शफाअत का ये मकाम जो है यही मकाम महमूद कहलाता है और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने नबी से इसका वादा किया है और अल्लाह ताला सिर्फ आप ही को क़यामत के दिन इस मनसब पर फायज करेगा। सूरतुल इस्रा में अल्लाह ताला फरमाते हैं وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا। और रात के कुछ हिस्से में फिर उसके साथ बेदार रह, इस हाल में कि ये तेरे लिए नफल है, जायद है, करीब है कि तेरा रब तुझे मकाम महमूद पर खड़ा करे। इमाम बदरुद्दीन ऐनी कहते हैं मकाम महमूद जन्नत का आला तरीन दर्जा है। याद रखिये ये मकाम जन्नत में लेकिन अर्श के नीचे, ठीक है, और खालिक के सबसे करीब मकाम है। काब बिन मालिक कहते हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों को क़यामत के दिन उठाया जाएगा, मैं और मेरी उम्मत एक टीले पर होंगे और मेरा रब मुझे सब्ज रंग की पोशाक पहनाएगा, फिर मुझे इजाजत दी जाएगी और मैं वो कहूंगा जो अल्लाह चाहेगा कि मैं कहूं। बस यही मकाम महमूद है। एक और रिवायत में आता है अब्दुल्ला बिन उमर रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक सूरज करीब होगा कि बहने वाला पसीना आदमी के निस्फ कान तक पहुंच जाएगा और वो इसी हालत में आदम अलैहिस्सलाम को मदद के लिए पुकारेंगे। वो कहेंगे मैं इसका अहल नहीं हूँ। फिर मूसा अलैहिस्सलाम को पुकारेंगे, वो भी यही जवाब देंगे। फिर वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आवाज देंगे तो आप मखलूक के लिए सिफारिश करेंगे, आप चलेंगे और जन्नत के कड़े को पकड़ लेंगे। उस दिन अल्लाह ताला आपको मकाम महमूद पर उठाएंगे, तमाम लोग आपकी तारीफ करेंगे क्योंकि आप सबके नुमाइंदा होंगे। इससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम भी पता चलता है। आप देखिए कि हमारे दिलों में आपका कितना मकाम है और हम आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं और आपकी कितनी ताजीम करते हैं और कितना वैल्यू करते हैं और आपके तरीकों को कितनी खुशी के साथ अपनाते हैं। आपके जरिए अल्लाह ताला ने हमें हिदायत बख्शी, इस्लाम का कलमा नसीब किया और आखिरत में अल्लाह सुब्हानहू तआला आपकी शफाअत की वजह से ही जन्नत में दाखिला नसीब करेगा इंशाअल्लाह। तो ये बात आपका मकाम भी बताती है और ये भी कि हमें आपकी कदरदानी करनी चाहिए और आप पर कसरत से दुरूद भेजना चाहिए। एक और रिवायत से पता चलता है कि मकाम महमूद जन्नत के दरवाजे के पास है। सलमान रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि क़यामत के दिन सूरज को 10 साल की गर्मी दे दी जाएगी, यानी जितनी 10 सालों में गर्मी पड़ती है वो एक दिन इकट्ठी कर दी जाएगी। फिर उसे लोगों के सरों के करीब कर दिया जाएगा। फिर लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे और वो कहेंगे अल्लाह के नबी आपकी जात वो है कि अल्लाह ने आपको फतह अता की और अल्लाह ने आपके अगले और पिछले गुनाह माफ फरमा दिए हैं और आप बखूबी देख रहे हैं कि हम लोग किस हाल में हैं, बस आप हमारे लिए अपने रब से सिफारिश फरमा दें। तो आप फरमाएंगे मैं तुम्हारा साथी हूँ। चुनाचे आप निकल कर लोगों के दरमियान से गुजरेंगे। देखिये मंजर, देखिये आप निकल कर लोगों के दरमियान से गुजरेंगे यहाँ तक कि आप जन्नत के दरवाजे तक पहुंच जाएंगे और आप दरवाजे में सोने के कड़े को पकड़कर दरवाजा खटखटाएंगे। बस जन्नत का दारोगा कहेगा ये कौन है, तो आप फरमाएंगे मैं मोहम्मद हूँ। चनाचे आपके लिए दरवाजा खोल दिया जाएगा यहाँ तक कि आप अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला के रूबरू खड़े होंगे और सजदा रेज हो जाएंगे। तो आपको आवाज दी जाएगी, आप अपना सर उठाइए और मांगिए, आपको दिया जाएगा, सिफारिश कीजिए, आपकी सिफारिश कबूल की जाएगी। बस यही मकाम महमूद है। एक और रिवायत में सही बुखारी की, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश करेंगे कि मखलूक का फैसला किया जाए। फिर आप बढ़ेंगे और जन्नत के दरवाजे का हल्का थाम लेंगे और उसी दिन अल्लाह आपको मकाम महमूद अता फरमाएगा जिसकी तमाम अहले महशर तारीफ करेंगे क्योंकि उन सब की तरफ से आप वहाँ पर खड़े होकर अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआएं करेंगे और सजदे में पड़ जाएंगे। दीगर हदीस को भी देखें और इनको भी, तो इससे पता ये चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफाअत उज़्मा के लिए जन्नत का दरवाजा खुलवाएंगे, जन्नत में आप सबसे पहले जाएंगे और जो बाकी लोग होंगे आप उनकी सिफारिश करेंगे। और इस मकाम पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुजूर सजदे में जाके अल्लाह ताला की खास तारीफ बयान करेंगे। सही बुखारी में आता है, क़यामत के दिन लोग जब परेशान होंगे तो अंबिया के पास जाएंगे तो अंबिया उनको कहेंगे तुम सब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ कि अल्लाह ने उनके अगले और पिछले सब गुनाह माफ फरमा दिए हैं। तो वो सब मेरे पास आएंगे तो मैं सबको लेकर अपने रब की बारगाह में हाजिर होने की इजाजत चाहूंगा, तो मुझे इजाजत दे दी जाएगी। फिर जब मैं अपने रब को देख लूंगा तो मैं सजदे में गिर जाऊंगा। यहाँ पर यह भी आता है कि आप अपने रब को देख लेंगे और जब तक अल्लाह चाहेगा मैं सजदे में ही रहूंगा। फिर कहा जाएगा, ऐ मोहम्मद अपना सर उठाओ, मांगो दिए जाओगे, सिफारिश करो तुम्हारी सिफारिश कबूल की जाएगी, कहो सुना जाएगा। मैं अपना सर उठाऊंगा और अल्लाह की वो हम्द करूंगा जो मुझे उसकी तरफ से सिखाई जाएगी। एक और रिवायत में आता है कि ऐसी हम्द जो इससे पहले कभी न की होगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन मुख्तलिफ काम कर रहे होंगे ना। एक तो सबसे पहले तो ये सिफारिश करेंगे और जन्नत में जाकर और मकामे महमूद पर खड़े होकर सिफारिश करके और फिर हिसाब किताब शुरू हो जाएगा। फिर आप हौज़े कौसर पर भी होंगे, फिर आप पुल सिरात के पास भी होंगे, और फिर जब सब लोग जन्नत में पहुंच जाएंगे तो जो जहन्नमी ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा गो होंगे, हत्ता कि किसी के दिल में राई के दाने बराबर भी ईमान होगा, तो उसको भी आप जहन्नम से निकलवा कर जन्नत में दाखिल करवाएंगे। यहाँ साइड नोट पे कि क़यामत के दिन सूरज के भी मुख्तलिफ अहवाल होंगे, कई मराहिल से गुजरेगा। उलमा कहते हैं कि उसको लपेट दिया जाएगा, उसकी रोशनी खत्म हो जाएगी। फिर जब लोग महशर में जमा हो जाएंगे तो सूरज वापस आएगा। उस वक्त उसकी तपिश 10 साल की हरारत के बराबर होगी, वो बंदों के सर के बिल्कुल करीब आ जाएगा। फिर जब मैदान हशर में हाजिरी खत्म हो जाएगी तो फिर उसको लपेट दिया जाएगा और फिर उसको आग में डाल दिया जाएगा ताकि सूरज की पूजा करने वालों को अजाब दिया जाए। तो इनको जहन्नम में सूरज के साथ भी अजाब दिया जाएगा। तो कितनी सख्त तपिश है उसकी। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। तो यहाँ तक महशर के ये अहवाल बयान हुए हैं। इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत का जिक्र है। उस्ताजा जी, जो शफाअत उज़्मा है ये सिर्फ हिसाब किताब शुरू होने की बात है, अभी सिर्फ कोई वो नहीं है। अब बाकी अभी चीजें बहुत सी हैं जी, अभी सिर्फ ये कि शुरू किया जाए क्योंकि 40 साल तक लोग पसीने में डूबे खड़े होंगे। अल्लाह ताला बचाए, अल्लाह ताला उस दिन को आसान कर दे। बहुत तैयारी की जरूरत है उसके लिए, गफलत से निकलने की जरूरत है। सर जी, मुझे 2 क्वेश्चंस मेरे दिमाग में आ रहे थे। एक तो ये कि क्या उस वक्त हशर में जिन और इंस इकट्ठे होंगे? जी हाँ, सब इकट्ठे होंगे, मखलूकात, यानी हत्ता के जो जानवर वगैरह हैं हर एक। वईदल वहूश वहूश भी होंगे। और दूसरा ये कि जो शफाअत उज़्मा है ये सब पूरी मखलूक के लिए होगी, पूरी मखलूक के लिए होगी, जो मुशरिकीन हैं सबके लिए शफाअत उज़्मा होगी कि सबका हिसाब शुरू किया जाए। क्योंकि लोग उस जगह से निकलना चाहेंगे। हत्ता के काफिर ये चाहेगा कि चाहे मुझे जहन्नम में भेज दिया जाए, यहाँ से निकाल दिया जाए। क्योंकि कहते हैं ना, अल इंतजार व अशद्दु मिनल मौत। तो वो जो वकूफ है, वो अरसा है, वो बड़ा सख्त वक्त है। उस्तादा जी, जैसे अभी ये आपने फरमाया ना कि हजूम इतना ज्यादा होगा कि सिर्फ 2 पाँव रखने की जगह है, तो कभी किसी बस में, ट्रेन में ज्यादा रश की हालत में आप खड़े हो तो चंद मिनट की बात होती है, तो वो मिनट ही गुजारने इतने मुश्किल हो जाते हैं। तो फिर सुभानअल्लाह, इतना अरसा वहाँ खड़े होंगे। और फिर जो आपने बताया कि खौफ और दहशत का आलम है, जैसे आजकल हम जिस सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो हम ज्यादा अच्छे से अंदाजा भी लगा सकते हैं। इस वक्त भी अगर कोई हमें किसी के करीब होना, जी हाँ, कि कोई कहे कि फलां के पास चले जाओ, उसकी दुआ से ये आजमाइश निकल जाएगी, तो पूरी दुनिया उस बंदे के पास पहुंच जाए, तो सुभान अल्लाह, ये तो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है जो उस वक्त का मंजर है और जो हजूम है और जो जगह की किल्लत और गर्मी की शिद्दत। मुझे याद आ रहा है कि एक दफा जब हम चाइना गए तो शंघाई एयरपोर्ट से हम जिस होटल में हमने जाना था वहां तक हम ट्रेन में आए और तकरीबन 35-40 मिनट का बाय ट्रेन, और फास्ट ट्रेन थी जिसपे वो सफर था। और वो शायद छुट्टी का वक्त था लोगों के या वैसे निकलने का। इतना रश था और बंदे के साथ बंदा जुड़ा हुआ था और बस नहीं चल रहा था कि किस वक्त यहाँ से निकल के बाहर जाएं। हर इंसान की जिंदगी में ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं कि जब वो रश में फंस जाता है या ऐसी जगह पर होता है कि ना आगे निकल सकता ना पीछे। हरम में कई दफा ऐसा इत्तेफाक हुआ होगा। एक दफा ईद की नमाज करीब थी तो हमने सोचा चलो तवाफ ही कर लेते हैं, अल्लाह अकबर। वो जो अंदर चले गए तो यूं लगता था अब सीना ही भींच जाएगा, दम ही निकल जाएगा, ना निकलने का कहीं, ना आगे ना पीछे, जहां है वहीं के वहीं स्टक। और उस वक्त जो हालत होती है कि इंसान को अपनी मौत ही करीब नजर आ रही होती है कि स्टैम्पीड ना हो जाए, कुछ और ना हो जाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला क़यामत के दिन की इन सारी सख्तियों और हौल से हमें महफूज रखे। इसके लिए हमें दुआ भी करनी चाहिए और ये तभी ये हमारी दुआओं में शामिल होगा ना जब हमें इसके बारे में इल्म होगा। हम सीखते ही नहीं, इसके बारे में जानने की कोशिश ही नहीं करते। हमारे बच्चों को कितना पता है इसके बारे में कि क्या आगे आने वाला है, मरने के बाद क्या होने वाला है। ज्यादातर यानी ईमान रखने वाले भी इस पे एक पैसिव सी फीलिंग है। कितनी दफा हम जिक्र करते हैं कि हिसाब आसान हो जाए कुछ है, लेकिन उसमें वो जो ये खौफ और दहशत, ये फिर आप जब इतनी डिटेल से पढ़ते हैं, सीखते हैं, इसका तज़किरा होता है ना, फिर फीलिंग आती है। फिर फीलिंग आती है। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, इल्म वाले बंदे ही अल्लाह से डरते हैं। यानी तभी डर लगता है जब इंसान को इल्म आता है, वरना तो जहालत में तो इंसान कोई पता नहीं उसके नीचे कितने आतिशफशां हैं, किस आग के ऊपर बैठे हुए हैं। फिर ये याद रखना चाहिए कि हिसाब बरहक है। अब वो हिसाब शुरू होने लगा है। तो क़यामत के दिन के नामों में से एक नाम यौमुल हिसाब भी है। यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क़यामत के दिन और आखिरत के दिन को मुख्तलिफ हालात और मुख्तलिफ हौलनाकियों के एतबार से नाम दिए हैं, जिनमें से एक नाम यौमुल हिसाब भी है। सूरत अल-अंबिया में अल्लाह ताला फरमाते हैं, اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون। इन लोगों के लिए हिसाब का वक्त बहुत करीब आ गया और वो बड़ी गफलत में मुंह मोड़ने वाले हैं। यानी दुनिया की जिंदगी वहां जाकर क्या लगेगी, एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा। तो इस एतबार से तो ये वक्त बहुत करीब है। अल्लाह ताला ने सूरत साद में इस दिन को यौमुल हिसाब कहा है। इन्नल्लज़ीना यज़िल्लूना अन सबीलिल्लाहि लहुम अज़ाबुन शदीदुन बिमा नसू यौमल हिसाब। यकीनन वो लोग जो अल्लाह की राह से भटक जाते हैं, उनके लिए सख्त अजाब है, इसलिए कि वो हिसाब के दिन को भूल गए हैं। सूरत अल-गाशिया में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्ना इलैना यकीनन हमारी ही तरफ इनका लौट कर आना है, फिर बेशक हमारे ही जिम्मे इनका हिसाब है। यानी हिसाब बरहक है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला कई आयात में अपनी तारीफ के तौर पर ये बयान करते हैं कि वो जल्द हिसाब लेने वाला है। सूरत अर्राद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वल्लाहु यहकुमु ला मुअक्किब लिहुक्मिही वहुव सरीउल हिसाब। और अल्लाह फैसला फरमाता है, उसके फैसले पर कोई नजरसानी करने वाला नहीं और वो जल्द हिसाब लेने वाला है। और अल्लाह ने इस काम के लिए अपनी कुदरत अपनी मखलूक के लिए बयान भी फरमाई है और बयान किया है कि सबका हिसाब करने के लिए वो खुद ही काफी है। सूरत अल-अंबिया में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वनज़अुल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामति फ़ला तुज़लमु नफ़्सुन शैअन वइन कान मिफ़क़ाल हब्बतिन मिन ख़र्दलिन अतैना बिहा वकफ़ा बिना हासिबीन। और हम क़यामत के दिन ऐसे तराजू रखेंगे जो ऐन इंसाफ के होंगे, फिर किसी शख्स पर कुछ जुल्म न किया जाएगा। और अगर राई के एक दाने बराबर भी अमल होगा तो हम उसे ले आएंगे और हम हिसाब लेने वाले काफी हैं। यानी नामे अमाल में जो कुछ लिखा जा रहा है, अगर वो राई के दाने बराबर भी होगा तो हम वो भी सामने लाकर तोल देंगे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला पहले इंसान से लेकर आखिरी इंसान तक तमाम मखलूक का हिसाब करेगा और उसके लिए ये ऐसे ही जैसे एक इंसान का हिसाब करना। इंसानों की कसरत तादाद की वजह से हिसाब लंबा भी नहीं होगा, यानी जल्दी हो जाएगा। बाद रिवायत में यूं आता है कि जोहर के वक्त तक जैसे सब कुछ खत्म हो जाएगा। यानी बैक वक्त भी अल्लाह ताला सबका हिसाब ले सकता है। इस दिन को यौमुल फसल भी कहा गया है, फैसले का दिन। सूरत साफात में आता है, हादा यौमुल फस्ली अल्लज़ी कुंतुम बिही तुकज़्ज़िबून। यही फैसले का दिन है जिसे तुम झुटलाया करते थे। इसको यौमुल फसल क्यों कहा गया? क्योंकि ये बंदों के दरमियान फैसले का दिन है। उनके दरमियान फैसला कर दिया जाएगा, हुकूक को बयान कर दिया जाएगा। सूरत मुरसलात में आता है, हादा यौमुल फसल जमानाकुम वल अव्वलीन। ये फैसले का दिन है, हमने तुम्हें और पहलों को इकट्ठा कर दिया है। जमानाकुम वल अव्वलीन, अगले पिछले सब इकट्ठे। फिर इसी तरह यह है कि हक वाले अलग हो जाएंगे, बातिल वाले अलग हो जाएंगे। वम्ताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, सूरत अन्नबा में आता है, इन्ना यौमुल फस्ल कान मीकाता, यकीनन फैसले का दिन एक मुकर्रर वक्त है। उस दिन को यौमुद्दीन भी कहा गया है, सजा और जजा का दिन, मालिकी यौमुद्दीन, जैसे सूरत अल-फातिहा में आता है कि उस दिन बंदों को उनके अमाल की जजा मिलेगी, बदला मिलेगा। नेक बंदे हिसाब के दिन से डरते हैं। सूरत अर्राद में आता है, वल्लज़ीन यस्लून मा अमर अल्लाहु बिही अन युसल वयख्शौन रब्बहुम वयखाफून सूअल हिसाब, और वो जो उस चीज को मिलाते हैं जिसके मुतालिक अल्लाह ने हुक्म दिया कि उसे मिलाया जाए, और अपने रब से डरते हैं और बुरे हिसाब का खौफ रखते हैं कि हमसे बुरी तरह हिसाब ना लिया जाए। ये कौन है? जो नेक बंदे हैं, वो डरते हैं। नेक बंदों की अलामत बताई गई कि वो हिसाब से डरते हैं, और कुछ है कि जो हिसाब का इनकार करते हैं, तो जो इनकार करते हैं उनके लिए अजाब है। सूरह साद में आता है, या दाऊद इन्ना जअलनाक खलीफतन फिल अर्द फहकुम बैनन नास बिल हक वला तत्तबि'ल हवा फयुदिल्लक अन सबिलिल्लाह इन्नल्लज़ीना यदिल्लून अन सबिलिल्लाहि लहुम अज़ाबुन शदीदुम बिमा नसू यौमल हिसाब। यकीनन वो लोग जो अल्लाह की राह से भटक जाते हैं उनके लिए सख्त अजाब है, इसलिए कि वो हिसाब के दिन को भूल गए। तो हिसाब के दिन को भूलना नहीं चाहिए। अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा, अल्लाह हम सबको बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल करे। एक सवाल आ रहा था जहन में उस्ताद जी, बात हुई कि सब का हिसाब होगा, तमाम मखलूकात जो वहां जमा है, तो जैसे हम देखते हैं कि एक खास उम्र है कि जिसके बाद मोमिन मुकल्लफ होता है, उससे पहले जो यंगर होते हैं, जो उसके पहले फौत हो गए, उनके बारे में फिर किस तरह होगा? उनका भी हिसाब होगा? बच्चों, छोटे बच्चों, गैर बालिग जी नहीं, उनका हिसाब नहीं होगा, बट दे विल स्टिल बी देयर उस वक्त तक। हम लोगों को रिजल्ट बनाना होता है ना, कभी एक क्लास का रिजल्ट कितनी दफा उसके गो थ्रू करना पड़ता है, कितना कुछ, कोई गलती ना हो जाए या कुछ ना हो जाए। और अल्लाह ताला चाहे तो कितनी तेजी से भी हिसाब कर सरीउल हिसाब। और दूसरी चीज मैं ये सोच रही थी कि हम दुनिया में कितनी तावीलें करते हैं कि हमारे पेपर में ये रह गया था, ये क्वेश्चन सही नहीं था, ये था। मेरे साथ तो अक्सर ये होता है कि मैं जब क्विज कर रही होती हूँ तो कभी हाथ ऐसे लग जाता है कि ऊपर वाला क्लिक करना होता है तो वो नीचे वाला हो जाता है, जब तक वो बंद होता है। मैंने अल्लाह ताला पे छोड़ा हुआ कि भाई बस ठीक है, अल्लाह ताला को तो पता है ना कि किस नीयत से काम किया था, क्या किया था, हिसाब तो उसी को ही देना है। हम लोगों को कितनी भी लोग राजी करते रहे और लोगों को कितनी भी तावीलें पेश करें और एक्सक्यूजेस बनाए, कोई फायदा नहीं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।